हेलो मित्रों, तो मैं अंशुमन एंड भाई चलिए बिना कोई तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑल हम लोग भाई बात करते हैं एनिमे वन टेन साथ में भाई किंग के यार लफड़े के बारे में। एंड अगर आपको भाई नहीं पता है तो भाई इन दोनों के बीच में यार भाई काफ़ी खतरनाक यार एक भाई डिस्ट्रैक्ट भाई वॉर स्टार्ट हो गई। बेसिकली इन दोनों के बीच में भाई कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट होती है, चलिए हम लोग भाई स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑल भाई होता क्या कि भाई जो कि एनिमे वन टाई है यार एक भाई वो इंस्टाग्राम पर यार भाई स्टोरी को शेयर करते हैं एंड उस पर एक भाई वो इमोज को डालते हैं एंड उस पर भाई लिखा हुआ होता है रोको। एंड बेसिकली यार भाई वो यहाँ से क्लेरिफाई कर देते हैं कि यार भाई उनकी कॉन्ट्रोवर्सी यार भाई डिस्ट्रैक्ट वाली स्टार्ट हो गई है। एंड भाई उस वाली इमेज के नीचे भाई वो कुछ नीचे लिखे भी होते हैं तो उसमें भाई वो लिखते हैं फ्लश व्हाट दे से। एंड इसके बाद होता क्या कि भाई जो कि किंग है यार भाई वो भी अपने थ्रेड की साइड से भाई उनको रिप्लाई देते हुए एक भाई चीज को डालते हैं एंड उसमें भाई वो कुछ लिखते हैं तो उसमें भाई वो लिखते हैं हाँ हाँ कोई बहुत बड़ी गलती करने वाला है एंड एक साथ में भाई इमोजी। एंड इसके बाद भाई जो कि किंग है भाई वो अपने इंस्टाग्राम पे यार एक भाई रील को शेयर करते हैं एंड उसके यार भाई नीचे कैप्शन में भाई वो काफी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं तो मैं आपको यार भाई वो भी पढ़ के बता देता हूँ। एफ व्हाट दे से इट द पिल एंड फ्लश एनी वे Waste of playing of victim card and when we all got a say, give some real and the people can F with of a long way, trying to stay relevant of nonsense every time, never gonna give you dry have day. And अभी तक तो यार भाई इन दोनों के बीच में कुछ यही अपडेट आए थे बट अभी के टाइम पे भाई एक भाई यूट्यूबर है जिनका नाम है भाई पिंग एंड भाई वो करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग एंड उसमें भाई काफी गंदा भाई वो रोस्ट कर देते हैं एमए वन टाई को एंड बाकी वो क्या कहे अपने लाइव स्ट्रीमिंग में देखो। स्टैन वाला तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे को स्टैन वाला तो समझ ही नहीं आ रहा। किंग वाला तब भी आ गया था और पता है किंग किंग कैसे जीत गया भाई यहाँ पे, क्योंकि उसने इंग्लिश में चार लाइनें बोल दी भाई। अब किंग को हराने के लिए एमिवे को चार लाइनें बोलनी पड़ेंगी इंग्लिश में और एमिवे जब इंग्लिश डाल देता है गाने में तो बहन फिर तो रॉन्ग ही हो जाता है ना, फिर यू 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 हो जाता है बहुत जोर से। बट ठीक है ठीक है यार। एंड बेसिकली अगर हम लोग भाई बात कर रहे हैं भाई कुछ कॉन्ट्रोवर्सी के लफड़ों के बारे में तो बात करते हैं यार भाई एलविश यादव के बारे में। तो यार भाई एलविश यादव का नया लफड़ा हो चुका है यार एक भाई रेंटिंग मोला के साथ। एंड अगर आपको भाई नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि यार एक भाई इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर एंड भाई बेसिकली यार एक भाई फीमेल है और अपने भाई मोस्ट ऑफ द वीडियो में भाई काफ़ी यार ट्रोल करती रहती है बीजेपी को एंड साथ में भाई मोदी को। तो इनके यार के टाइम पर भाई ट्विटर पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें भाई वो रोस्ट करती है मोदी को एंड बेसिकली यार भाई वो कुछ बात करती है बरसात के बारे में। तो पहले आप लोग देखो। मित्रों दिल्ली में बरसात हो रही है तो रिमाइंडर देना था कि नई संसद बिल्डिंग में नीले रंग की बाल्टी रखवा देना। ऑल्सो यार भाई जो कि रेंटिंग मोला है भाई अपनी वीडियो को शेयर करते हुए यार भाई ट्विटर पे भाई उसके ऊपर कुछ एक ट्वीट करते हुए लिखती है तो वो लिखती है जेट सेइंग इट इज़ आर रेनिंग बाल्टी रखवा दो पाओ पाओ पाओ। एंड इसके बाद भाई होता क्या कि भाई जो कि एलविश यादव है भाई उनकी उसी वाली भाई रील के नीचे मतलब कि यार भाई उनकी वीडियो के नीचे भाई कुछ लिखते हैं तो वो लिखते हैं आई सपोर्ट LGBTQ। एंड अगर आप लोग इसका मतलब नहीं जानते तो भाई कॉमेंट्स में बता दो जिनको पता है। एंड फिर वो लिखती है ईडी ने तुझे खुला छोड़ दिया क्या। एंड बाकी जो कि था भाई इन दोनों के पीछे की कॉन्ट्रोवर्सी मैंने आपको बता दी अभी के टाइम पे। एंड ऑल्सो इस वाली वीडियो के बाद भाई इस पर रिएक्ट करते हैं इंजीनियर एक्सप्लेन एंड एक भाई वो भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं तो वो लिखते हैं लिख के ले लो जब इसकी भाई शादी होगी एंड जो बच्चे होंगे यार भाई वो पक्का मोदी की आवाज में ही बोलेंगे। एंड बाकी आप लोग भाई क्या सोचते हो इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पे मेरे को कमेंट्स में बताना। एंड बाकी जो कि था भाई इन चारों के बीच में मतलब भाई किंग वाली कॉन्ट्रोवर्सी एंड साथ में एलविश वाली भाई मैंने आपको भाई पूरी एक्सप्लेन कर दी है। एंड अगर हम लोग एलविश यादव के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग अगर भाई बात करते हैं अभी करंटली यार भाई बांग्लादेश वाले मैटर पे तो अगर आपको भाई नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम पे यार भाई बांग्लादेश की साइड से कुछ ऐसी भाई न्यूज आ रही है कि यार भाई जो कि बांग्लादेश देश के भाई कुछ हिंदू बहन को मुसलमान काफी भाई परेशान वगैरह कर रहे हैं एंड साथ में भाई जो कि मुस्लिम्स लोग हैं वह उनके साथ भी भाई वहाँ पे काफी गंदा हो रहा है। एंड भाई पता नहीं यार भाई वहाँ पे क्या क्या कुछ न्यूज़ आ रही है बट अभी के टाइम पे भाई आपको पता होगा जो कि यार भाई वो बलस्तीन वाला मैटर था ऑनलाइन ऑफ राफा वाला तो उस पर यार भाई काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने भाई काफी सपोर्ट करा था उनको बट यार भाई बांग्लादेश वाले मैटर पर यार भाई कोई भी भाई बात नहीं करता। तो भाई जो कि एलविश यादव के दोस्त है हर्ष डाका भाई वो उन सबको एक्सपोज करते हुए एक भाई रील को बनाते हैं एंड वो क्या कहे आप लोग भाई देखो। आपको याद होगा जब सारे सेलेब्स ने ऑल आइज़ ऑन राफा की स्टोरी शेयर की हुई थी लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदूज को खुलेआम मारा जा रहा है तो इस बारे में कोई बात करते हुए नहीं दिखेगा। इसको कहते हैं सेलेक्टिव एक्टिविज्म जो कि फाइनेंशियल और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के रिजाइन करने के बाद वहाँ प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए और हिंदुओं को उनके घरों में घुसकर मारा जाने लगा, उनके बिजनेसेस और दुकानों को जलाया जाने लगा, साथ ही में हिंदू टेंपल्स पे भी अटैक्स किए जा रहे हैं। ये बांग्लादेश के स्कॉन टेंपल की एक फोटो सामने आई है जहां इन्होंने पूरे टेंपल को जला दिया है। एक जर्नलिस्ट प्रदीप कुमार भौमिक को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सपोर्टर्स ने मार दिया है लेकिन एक्स पे अभी भी कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स इन पूरे इंसिडेंट्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश में सिचुएशन कितनी न्यूट्रल है लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं वो खुद सोशल मीडिया पे आकर इन चीजों को कंफर्म कर रहे हैं।
सो शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस बार आपके फेवरेट सेलिब्रिटी को तो फंड नहीं मिला, तो वो तो नहीं करने वाले, एंड इस चीज का पूरा एक डिटेल एनालिसिस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। होलसेल अभी के टाइम पे भाई जो कि बांग्लादेश का भी भाई ये करंटली सीन हो गया है, तो कभी के टाइम पे भाई काफी लोग इसको भाई काफी ग्रुप पार्ट में भाई डिवाइड कर दिया है, एंड भाई जो कि फर्स्ट ग्रुप के लोग है भाई वो कह रहे हैं कि अरे भाई जो कि पूरा सीन है यार भाई कुछ यार एक भाई प्रोपोगंडा है, एंड भाई के टाइम पर कुछ ऐसे ट्वीट्स आते हैं, तो बेसिकली जो कि आप लोग अगर भाई स्क्रीन पे कुछ ऐसे ट्विस्ट देख रहे हो जो कि यार भाई ये बोलते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा भाई बीजेपी का करा धरा है, एंड अपना भाई प्रोपोगंडा बना रहे हैं, एंड भाई कुछ लोगों का तो यार भाई एक ग्रुप ए में भाई ये भी कहना है कि भाई जो कि यार भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई हिंदू को, भाई वो कुछ मुस्लिम्स ही हैं, एंड बेसिकली भाई जो कि उनके भाई मंदिर वगैरह को एंड भाई कुछ टेम्पल्स को भाई जो कि हानिकारक पहुँचा रहे हैं, भाई वो कुछ भाई बाहर के लोग हैं, एंड भाई जो कि ग्रुप बी के लोग हैं भाई उनको काफ़ी एक्सपोज करते हुए ये कहते हैं कि यार भाई बाहर के लोग इस वाले लफड़े में कहाँ से आएंगे, भाई वो तो यार देश का लफड़ा है, उसमें भाई बाहर वाले आके क्या करेंगे, एंड बाकी यार इस वाले मैटर पर भाई काफ़ी खतरनाक भाई दोनों ए ग्रुप एंड भाई बी ग्रुप के बीच में काफ़ी खतरनाक भाई कन्वर्सेशन चल रही है अभी के टाइम पे, और भाई दोनों ग्रुप्स के लोग एक दूसरे को भाई काफी गंदा भाई ट्रोल वगैरह करते हुए भाई उनको काफी गाली वगैरह भी भाई एक दूसरे को बक रहे हैं वो लोग, एंड बाकी यार अभी भाई इतना ही नहीं, पूरे मैटर पे भाई रिप्लाई करते हैं भाई उनको मैक्सन, एंड बेसिकली यार भाई वो पूरी रील को बनाए एंड भाई उसको यार शेयर करते हैं ट्विटर वगैरह पे, तो वो क्या कहे देखो, क्या बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये फेक है, कुछ फोटोज पोस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है मुस्लिम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं मंदिरों को, पर ये प्रोटेक्ट कर किससे रहे, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आ रही है जहाँ पे हिंदू परिवारों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उनके घर में किसी तरीके से घुसने की कोशिश की जा रही है। अगर दोनों पक्षों को ध्यान से देखें तो जो पक्ष यहाँ पे विरोध कर रहा है हिंदू परिवार पे हमले होने को लेकर वो सिर्फ फोटो डाल रहा है, और जो लोग कह रहे हैं हिंदू परिवारों पे हमले हो रहे हैं वो एक्चुअली में वीडियो डाल रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड भाई अगर हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सन के बारे में, तो भाई मैक्सन को एक भाई यूट्यूबर ने काफ़ी गंदा रोस्ट कर दिया, एंड बेसिकली भाई वो बात करते कुछ उनके भाई चैनल्स के बारे में और भाई वो क्या कुछ कर उन सबको भाई रोस्ट करते हुए, आप लोग भाई देखो। रियल मैक्सन ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा, आप इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में इस बंदे ने अपने नाम में रियल तो लगाया है बट दुनिया का सबसे बड़ा दोगला इंसान है। आज से कुछ दिन पहले मैक्सन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला जहां पे इसने ये प्रूफ करने की कोशिश करी कैसे बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वहां के इनोसेंट सॉफ्ट और प्यारे स्टूडेंट्स पे अत्याचार कर रही है। शेख हसीना जो है उसने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और वहां के स्टूडेंट्स पे अत्याचार किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, और ये उन्हीं स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो प्रेजेंट टाइम में हिंदुओं की जान के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। ये उसी प्रोटेस्ट की बात की जा रही है जिस प्रोटेस्ट में यहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है और इवन यहां तक इस्कॉन टेंपल को भी जलाया जा रहा है। अब प्रेजेंट टाइम में मैक्सन क्या करता है, इसी मैक्सन ने 10 दिन पहले यूट्यूब पे उन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के टेररिस्ट को, उन गुंडों को, उन दंगाइयों को सपोर्ट करा था और अपनी वीडियो में यह प्रूफ करने की कोशिश करी कि वो लोग बहुत ही इनोसेंट है, और आज मैक्सन ट्विटर पर आके प्रो हिंदूवादी वीडियो डालता है और ये बोलता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन खतरे में है। मैक्सन जी आपको बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके जीवन के लिए आवाज भी उठानी है, लेकिन हिंदुओं को जो मार रहे हैं उसी उन्हीं टेररिस्ट को आपने अपनी वीडियो में इनोसेंट स्टूडेंट भी घोषित किया। भाई जीवन में कभी एक नाव में पैर रख के चलना सीख लो। YouTube पे आप ये बोलते हो कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही करप्ट है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट इनोसेंट स्टूडेंट्स पे अत्याचार कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो जो आपके इनोसेंट स्टूडेंट है वही हिंदुओं को मार रहे हैं, और ट्विटर पे आके आप प्रो हिंदू बनने के चक्कर में उन्हीं हिंदुओं का स्टैंड ले रहे हो। जब बांग्लादेश की पीएम ने बांग्लादेश छोड़ा तब इस बंदे ने एक ट्रोल ट्वीट किया शेख हसीना के लिए। ये बात आप मैं और पूरा संसार जानता है कि शेख हसीना जो है वो नाम से जरूर मुसलमान है, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया था। इस बंदे ने पहले शेख हसीना को ट्रोल करने के लिए ट्वीट किया चोड़ चोड़ में, और उसके बाद आज ये वीडियो डालता है जहां पे शेख हसीना को डिफेंड करता है और ये बोलता है कि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थी तब तक हिंदू वहां पे सेफ थे। एंड ऑल्सो यार अभी भाई इतना ही नहीं, यार भाई फुकरा इंसान को भी भाई मिलता है काफी सपोर्ट, एंड भाई वो फाइनली एक भाई करते हैं ट्वीट भाई बांग्लादेश के ऊपर, वो लिखते हैं ओलाइज ऑन बांग्लादेश हिंदू, एंड बेसिकली यार भाई वो बांग्लादेश के हिंदू को काफी सपोर्ट करते हुए दिखे, तो भाई काफी लोग उनको भाई काफी अब्यूज वगैरह कर रहे हैं, एंड बेसिकली भाई वो कह रहे हैं कि भाई जो कि तुम्हारे मुस्लिम फैंस है भाई वो तुमसे भाई काफी हेट करने लगेंगे, एंड बाकी सब मैटर पे आप सबके भाई क्या राय है मुझे कॉमेंट्स में बताना, एंड बाकी यार आगे भाई कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको भाई तुरंत ही दे दूंगा, एंड बाकी आज के लिए भाई वीडियो में नहीं था, एंड अगर आप लोग अगर भाई चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।